हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड फिजियोलॉजी विद ध्वनि। आज की हमारी रेसिपी है रगड़ा पैटिस। तो सबसे पहले रगड़ा के लिए व्हाइट वाले मटर को एक मीडियम साइज के आलू और साथ ही नमक, हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर बॉईल कर लेना है। अब पैटिस के लिए 6 से 7 बॉइल्ड आलू को ले, उसे हल्का सा मैश कर लेना है। अब उसमें ऐड करें 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, 1 टीस्पून ग्रीन चिली जिंजर पेस्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब ताज़ा कटा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल है तो उसे ज़रूर ऐड करें, उससे बाइंडिंग में हेल्प होगी। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर मीडियम साइज की टिक्की बना ले। सारी टिक्कियां रेडी हैं, अब उसे फ्राई कर लेते हैं। अब एक फ्राई पैन में थोड़े से ऑयल को गरम कर ले और सारी टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। टिक्कियों को दोनों तरफ लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। टिक्कियां एकदम रेडी हो चुकी हैं। रगड़ा के लिए एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल को गरम करें, उसमें राई डालें, साथ ही एक स्मॉल साइज चॉप्ड अनियन डालकर उसे हल्का सा पिंक होने तक फ्राई करें। उसमें ऐड करें 1/2 चॉप्ड टमाटर, 1 टीस्पून ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून धनिया और जीरे का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डालकर मसाले को अच्छे से भून लेना है, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब उसमें ऐड करें बॉइल्ड मटर और आलू। मटर को थोड़ा सा मैश कर लिया है। आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए। अब उसमें अच्छा सा एक उबाल भी आ गया है और रगड़ा हमारा एकदम रेडी है। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए एक सर्विंग डिश में रगड़ा डालें, ऊपर से 3 से 4 आलू की टिक्की प्लेस कर दें, ऊपर से डालें 1 टीस्पून के करीब धनिया और पुदीने की चटनी, साथ ही खजूर और इमली की चटनी को भी डालें। अब ऊपर से बारीक कटे प्याज और टमाटर भी ऐड करें, ऊपर से थोड़ी सी सेव और फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश करें। अगर आपके पास अनार अवेलेबल है तो उसे भी ऐड करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब लास्ट में ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। रगड़ा पैटिस एकदम रेडी है। अगर आपको रगड़ा पैटिस की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।